हेलो नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत चेहरा पाना कौन नहीं चाहता, लेकिन उस चेहरे पे दाग धब्बे होना, पिंपल्स होना और झाइया होना एक आम समस्या है। और ये समस्या होने के बाद इंसान क्या करते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं कि ये प्रॉब्लम के लिए कौन सी दवाई अच्छी होगी या फिर कौन सी कॉस्मेटिक अच्छी होगी, और दुकान पर जाकर पूछते हैं कि ये दे दो। कॉस्मेटिक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने पे भी उनका ठीक नहीं होता है, उनका पैसा भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, बेदाग बना सकते हो, ग्लो ला सकते हो फेस पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ घरेलू चीज़ों का यूज़ करके। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उस बिल्कुल आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको तीन चीज़ बताती हूँ जो कि हमारे फेस पे होता है, पिंपल, पिंपल हटने के बाद स्पॉट यानी कि दाग, और हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि झाइया। इन तीन समस्याओं को मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री। पॉइंट वन में आपको पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों के बारे में बता रही हूँ कि आपको झाइया क्यों ही, आप ये कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जानना होगा कि जो झाइया होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे कौन कौन से नाम से पुकारते हैं। एक हाइपर पिगमेंटेशन तो बोलते ही है, और कोई नाम से इसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे हम लोग तीन नाम से बोलते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, एक होता है एज स्पॉट। जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है धीरे धीरे देखोगे उनके फेस पे झाइया पड़ने लगते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों मेलाज्मा, और तीसरा हाइपर पिगमेंटेशन। अब दोस्तों आप इसका नाम जान गए, अब मैं आपको इन तीन प्रकार को अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। ये तीन प्रकार का नाम क्या था दोस्तों, फिर से सोच लीजिए और जान लीजिए, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा और एज स्पॉट। ये तीन प्रकार के समस्याएं भी अलग होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है। तो दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन या झाया उस समय होता है जब स्किन ज़्यादा मात्रा में मेलानिन छोड़ने लगता है। मेलानिन क्या होता है दोस्तों, स्किन से ज़्यादा मात्रा में स्किन निकलना और कोई और कलर का निकलना। मान लो आपका स्किन कोई भी रंग का है, काला, गोरा, कैसा भी हो, आपका स्किन ज़्यादा निकल रहा है, और जो मेलानिन होता है वो डार्क कलर में निकलता है। मींस जो आपका स्किन का टाइप है, मान लो आपका स्किन का टाइप गोरा है तो वो थोड़ा ब्राउनिश टाइप में निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा, जिसके कारण से हमारे फेस पे बैठ जाता है, और बैठने के कारण हमारे फेस पे झाइया पड़ जाती है। और मान लो आपका स्किन डार्क है यानी कि काला है तो वो और डार्क में निकलेगा, जिसके कारण से आपके फेस में वो बैठ जाएगा ज़्यादा निकलने से, और हमारे फेस में झाइया हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे होता है हमारे फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि झाइया। अब दोस्तों हम लोग जान लिए कि हाइपर पिगमेंटेशन हमारे फेस में हो गया है, बट अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों मैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में अलग से एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हो अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन की समस्याओं से जूझ रहे हो तो। अब दोस्तों मैं आपको सेकेंड टाइप बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मेलाज्मा। तो दोस्तों हमें मेलाज्मा क्यों होता है, इसका घरेलू उपचार क्या है, मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें मेलाज्मा होता है सन टैन से, और मेलाज्मा दोस्तों ज़्यादातर पुरुषों को देखने को मिलता है बिकॉज़ वो लोग बाहर रहते हैं, और जो महिलाएं बाहर काम करती हैं उनको भी मेलाज्मा होता है, मेलाज्मा की झाइयाँ होती है। अब दोस्तों ये कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों आप बाहर गए, बाहर में आप धूप में खड़े हो, और मान लो जो सन है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, यानी कि जो सन का रे है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है और राइट साइड पे नहीं आ रहा है धूप, तो यानी कि लेफ्ट साइड पूरा टैन हो जाएगा, काला हो जाएगा, आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो डार्क पड़ जाएगा। और मान लो फिर ये फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे गए धूप में रहे, और सेकेंड डे आपका राइट से आया, फिर थर्ड डे गए आपका लेफ्ट से आया, और फोर्थ डे गए तो आपका बीच से आया जिसमें पूरा फेस में आपका सन पड़ रहा है,
तो यानी कि आपका फेस समझ नहीं पाता, आपका बॉडी समझ नहीं पाता है कि कभी हमें धूप लेफ्ट से आता है, हमारा चेहरा इधर से पूरा गर्म हो जाता है, कभी राइट से आता है इधर से गर्म हो जाता है, कभी बीच से आता है पूरा फेस ही गर्म हो जाता है, और हमारा फेस समझ नहीं पाता है, और जिसके कारण से वो ज़्यादा मेलानिन छोड़ता है, और मेलानिन ज़्यादा छोड़ने से उन्हें मेलाज्मा हो जाता है। तो दोस्तों मेलाज्मा हमें कैसे होता है? हमें होता है सन टैन की वजह से, यानी कि सूरज की रोशनी से। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा, एज स्पॉट। हमें एज स्पॉट क्यों होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहले दो दोस्तों, मान लो आप 15 प्लस हो या फिर 18 प्लस हो, आपके फेस में थोड़ा भी पिंपल निकला, पिंपल का आप केयर नहीं किए, धीरे धीरे आपका एज बढ़ा, आप 23 के एज में आया, आपका पिंपल निकलना बंद हो गया, बिकॉज एक एज होता है, हम लोग ज़्यादा 18 से 23 के बीच में कॉलेज आते हैं और स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर का खाना कम खा पाते हैं, जब भूख लगता है तो बाहर से कुछ भी खरीद के खा लेते हैं, और ये एक टाइम होता है हम लोग ज़्यादा फ्यूचर पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी पे नहीं दे पाते हैं, पिंपल उगा रहता है, हम लोग केयर नहीं करते हैं, और 23 की एज में जब हमारा कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाता है, फ्यूचर में क्या होगा वो हम लोग सारा कुछ डिग्री वगैरह सब खत्म कर देते हैं, घर पे बैठ के सोचते रहते हैं, और घर में बैठे हो बाहर का चीज़ नहीं खाओगे, ना ही आपके फेस में धूल चिपकेगा, और ना ही आपको सूरज की रोशनी लगेगी, और आपका फेस धीरे धीरे करके ठीक होता है, लेकिन वो पिंपल आपका ठीक हो रहा है जिसका आप केयर नहीं किए हो, वो खुद से ठीक हो रहा है, तो वो आपके चेहरे पर स्पॉट छोड़ देता है, दाग छोड़ देता है, और धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो वो दाग आपका धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और दोस्तों यही नहीं, दाग बड़ा होने के साथ साथ हमारा एज भी बढ़ता है, एज बढ़ने से क्या होता है, हमारे फेस से ज़्यादा मेलानिन निकलता है, ज़्यादा मेलानिन निकलने से हमारे स्किन ज़्यादा डार्क हो जाता है, और जहाँ पे वो दाग बड़ा हो रहा था वहाँ पे और एक मेलानिन निकल रहा है और डार्क कलर का निकल रहा है, जिसके कारण से वो दोनों कंबाइन कर लेते हैं और हमारे चेहरे पे स्पॉट छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा धब्बा लगता है। तो दोस्तों हमें एज स्पॉट ऐसे होता है। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताई हूँ कि झाइया के तीन प्रकार होते हैं, इन पर तीन प्रकार के नाम क्या होते हैं, और ये तीन प्रकार के समस्याएं भी अलग होती है, और ये तीन प्रकार हमें अलग अलग तरीके से होता है। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली थी कि आपको पिंपल क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, सिर्फ और सिर्फ घरेलू चीज़ का यूज़ करके, और आपको स्पॉट क्यों होता है और कैसे ठीक होता है घरेलू चीज़ों का यूज़ करके। पर दोस्तों ये वीडियो झाइयों के बारे में बताने से बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आपको दोस्तों जानना है कि आप पिंपल्स कैसे घर पर ठीक करोगे और ये हमें क्यों होता है, स्पॉट कैसे ठीक करो यानी कि दाग धब्बे कैसे ठीक करोगे और कैसे ठीक होता है सिर्फ और सिर्फ घरेलू तरीके से, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर डाल दूंगी, तो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मैं आपको झाइयों के बारे में बताई तो हूँ, लेकिन मैं आपको इसका घरेलू उपचार नहीं बताई हूँ। अगर आपको जानना है झाइयों का घरेलू उपचार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, मैं घरेलू उपचार ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, जाकर आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके है और सिर्फ आप 10 दिन में ठीक कर सकते हो। तो जाओ अभी के अभी देखो, आपको मैं समस्या तो बता दी हूँ और ये कैसे होता वो भी बता दी हूँ, इसका आप केयर करना अगर आप अभी 15 साल के हो या फिर 18 साल के हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारे फेस में झाइयाँ होने लगती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।